स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं, बहुत सारे दिन से कमेंट आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि सर बीए के प्रश्न पत्र बना दीजिए। तो ये विश्व प्रादेशिक भूगोल जो वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी आपके पेपर चलता है, बीए पार्ट सेकेंड में चलता है, किसी के थर्ड में चलता है, तो उसके लिए ये एक पेपर मैंने बनाया है संभावित प्रश्न पत्र 2024 के लिए। तो इसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, निश्चित मान लीजिए। अगर मैंने जितने प्रश्न आपको दिए हैं, ये क्या है, मैंने पाँच जो आपके यूनिट है या किसी के तीन हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी, दक्षिणी और ऑस्ट्रेलिया, आपका जो है ये यूनिट आते हैं, इनमें से मैंने चार चार प्रश्न दिए हैं आपको। और आप अगर इन चार चार प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस पेपर को देख के जाएँ और इस पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके जाएँ। देखिए, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं ऑलरेडी, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है, आप वहाँ पर जा करके वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आपको इसके उत्तर माला मिल जाएगी। और वैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्रश्न हैं उनको भी हल करवा रखा है यूट्यूब पे, आपको देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में हो। और एशिया और यूरोप को मैंने पढ़ा भी रखा है लाइव क्लासों के माध्यम से, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को, कौन कौन से प्रश्न देखे इंपॉर्टेंट। एशिया अतीत और भविष्य का महाद्वीपी व्याख्या कीजिए, या इसी प्रश्न को आपको ऐसे पूछ सकता है, एशिया मानव जाति का पालना और सभ्यता का स्थल है। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, एशिया महाद्वीप की भौतिक, सॉरी, एशिया महाद्वीप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग एक ही है, अतीत और भविष्य का मतलब यह है कि पहले भी एशिया महाद्वीप का दुनिया में बोलबाला था और भविष्य में भी इसी का बोलबाला होगा। तो ऐसी कौन सी खासियत थी, ऐसी कौन सी विशेषताएं थी कि एशिया महाद्वीप विश्व का प्राचीनतम महाद्वीप है, मानव जाति का सभ्यता रहा है, मानव जाति की उत्पत्ति हुई है, और ऐसी क्या वजह है कि आने वाले समय पर भी एशिया महाद्वीप ही विश्व में अग्रणी रहेगा। आपको पता है चीन और भारत दो अर्थव्यवस्थाएँ, जापान भी है साथ में, रूस भी है, ये विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हैं, और आने वाले समय में मानव संसाधन भी सभी से सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है। इस वजह से आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें इन दोनों को प्रभावित करती है, उनके बारे में आपको लिखना है, विशेषताएं लिखनी है आपको। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। एशिया महाद्वीप को हमने पाँच भागों में बांट रखा है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, उनको आप पढ़िए। यहाँ पर जैसे भारत का हम पढ़ते हैं ना, चार भागों में वर्णन किया है, एशिया महाद्वीप को पाँच भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं, देख लीजिएगा आप। एशिया महाद्वीप की प्लेलिस्ट लाइव क्लासों के माध्यम से मैंने बताई थी आपको, वहाँ पर जाकर के मिल जाएगी आपको। एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए प्राकृतिक, इसमें मैंने दोनों इसलिए दिए हैं ये, हालांकि आने वाला एक ही है, लेकिन जहाँ जहाँ जैसी जैसी मृदा पाई जाएगी वैसी वैसी ही प्राकृतिक वनस्पति पाई जाएगी। अगर आप प्राकृतिक वनस्पति को पढ़ रहे हैं तो मृदा को भी देख लीजिए, लगभग लगभग सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। टुंड्रा वनस्पति है तो टुंड्रा ही मृदा होगी, ऐसी ही मिट्टी होगी, और जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में जो है वनस्पति कौन सी पाई जाएगी, पर्णपाती प्रकार की पाई जाएगी। ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है लेटराइट या लाल मिट्टी पाई जाती है, और वहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ दिया है, ठीक है। आप ये मत समझिए कि एक ही प्रश्न में दो प्रश्न दे दिए, नहीं, ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, पेपर सेटर के ऊपर निर्भर है, इसलिए मैंने दोनों दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, एशिया महाद्वीप में कोयला और पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया है ये प्रश्न, तो इसको आप याद करके जाइए। कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ कहाँ है, चाइना के कोयला क्षेत्र देखिए, भारत के कोयला क्षेत्र देखिए, पेट्रोलियम दक्षिण पश्चिम एशिया के पेट्रोलियम उत्पादक देश सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक वगैरह, इन सभी का, तो ये ज़रूर प्रश्न देख के जाइए आप। इसमें देखिए, मैंने एशिया महाद्वीप लिखा है यहाँ पर, है ना, इसमें आपको एक क्षेत्र विशेष के बारे में पूछ सकता है, चाइना के बारे में पूछ सकता है, जापान के औद्योगिक प्रदेश भी यहाँ पर बहुत एक फेवरेट प्रश्न है, जापान के औद्योगिक प्रदेश वहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं, चीन के औद्योगिक प्रदेश भी बनते हैं, तो ये प्रश्न मैंने स्किप किए हैं, यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएगा कोई ना कोई, ठीक है, एशिया संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप के खनिज और औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। यूरोप महाद्वीप के खनिज और औद्योगिक, यूरोप महाद्वीप में देखिए खनिज प्रदेश कहाँ हैं, औद्योगिक प्रदेश कहाँ हैं, इनका वर्णन करना है आपको, ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स में। यूरोप में जो है जर्मनी है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, इनमें औद्योगिक प्रदेश और खनिज ज़्यादा मामले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप महाद्वीप के जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश कौन कौन सी जलवायु में यूरोप महाद्वीप को बांटा गया है। अगर आप जलवायु प्रदेश पढ़ रहे हैं तो साथ में जनसंख्या को भी देख लीजिएगा आप यूरोप की, वो भी एक फेवरेट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की अपवाह प्रणाली, नदी तंत्र को, नदी तंत्र अपवाह प्रणाली। यूरोप में देखिए बहुत सारी नदियां हैं, जिन्हें फेमस नदियां हैं, वोल्गा है, यूराल नदी है और डेन्यूब नदी है। डेन्यूब तो इम्पोर्टेंट नदी है यूरोप की, सबसे लंबी नदी भी है, वोल्गा नदी भी है सबसे लंबी नदी, ये भी है, और राइन नदी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, टेम्स नदी है इंग्लैंड में,
पो नदी हेटली में, इनका वर्णन आप देख के जाइएगा, नोट में मैंने लिखवा रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, देखिए वही प्रश्न आ गया है वापस से। तो प्राकृतिक वनस्पति जहाँ पढ़ोगे तो मिट्टी भी वहाँ पर साथ में चलेगी, इसलिए ये चार प्रश्न ही मैंने यूरोप से दिए हैं, चार ही प्रश्न आपको एशिया महाद्वीप से दिए हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में देखें जिसमें तीन इकाइयाँ चलती है तो ये दोनों एशिया और यूरोप एक साथ हैं, और किसी में पाँच चलती है तो पाँचों अलग अलग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है ये महाद्वीप, इस महाद्वीप के बारे में देखिए, इसके कृषि प्रदेशों का वर्णन करना है। अब कृषि प्रदेश अगर आप पढ़ोगे तो उसमें अगला प्रश्न भी आ जाएगा, देख कपास और मक्का पेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में और ये उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में, अगर आप कृषि प्रदेशों का वर्णन करोगे तो उसमें ये भी पढ़ लोगे आप, ठीक है ना। तो दोनों प्रश्नों को एक ही समझिए आप, मैंने अलग अलग दिए हैं ताकि आपको आसान रहे पढ़ने में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की कपास पेटी, कहाँ कहाँ कपास होता है, अरकनसास, एलियानास और इसके अलावा शिकागो, गेरी, वो सारे प्रदेश जो है आपको लिखने हैं इसमें, और मक्का पेटी के भी यही टेक्सास वगैरह सारे क्षेत्र आएंगे। यूएसए के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिएगी, अब देखिए औद्योगिक प्रदेश जगह आप वर्णन कर रहे हैं तो खनिज प्रदेशों का भी वहीं वर्णन हो जाता है, क्योंकि अधिकांश उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं, खनिज क्षेत्रों के आसपास। तो आप इसमें बिल्कुल भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आसान हैं। जब आप औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कर रहे हो तो औद्योगिक प्रदेशों के पास ही तो खनिज मिलेंगे, खनिज प्रदेशों का वर्णन भी वहीं हो जाएगा। अगर आपने औद्योगिक प्रदेश पढ़ के गए मान लीजिए और प्रश्न वहाँ पे खनिज प्रदेश आ गए तो आप वही टेक दीजिए वहाँ पे, ठीक है, वही क्षेत्र लिख दीजिए, लेकिन उद्योग शब्द नहीं लिखना वहाँ पे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के भू आकृतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए, उत्तरी अमेरिका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महाद्वीप है, उसके उच्चावच का वर्णन कैसे करोगे आप, देखिए उत्तरी अमेरिका का इस तरीके से कुछ नक्शा है ऐसा, है ना। अब देखिए उत्तरी अमेरिका में एक तरफ तो यहाँ पे क्या है, रॉकीज पर्वतमाला है, ये पूरा ठंडा प्रदेश है, प्रेरी प्रदेश कहते हैं इसको, यहाँ पे अपलेशियन पर्वतमाला है और ये मैदान है पूरा, यहाँ कोलोराडो का पठार है, तो इस तरीके से ये उत्तरी अमेरिका का भौतिक स्वरूप है, इसका आपको वर्णन करना है। यूएसए के कोयला और पेट्रोलियम क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका देखिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला देश है, उसके कोयला उत्पादन क्षेत्र का वर्णन करना है। अब देखिए टिप्पणी लिखी है ना, इसमें थोड़ा सा सार आ रहा है इसमें, और ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी के औद्योगिक खनिज प्रदेश, ये देखिए बहुत सारे जो है ना यूनिवर्सिटी में ये अलग अलग से दे रखा है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इनका अलग से वर्णन दे रखा है तो कठिन हो जाता है पेपर, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं ग्रेट ब्रिटेनी और जर्मनी, इन दोनों के खनिज या औद्योगिक प्रदेश, इन दोनों का वर्णन करना है, बहुत बार प्रश्न आ चुका है यहाँ से। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रारूप, इसका वर्णन करना है, और एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र, एशिया महाद्वीप में देखिए दुनिया की लंबी नदियाँ, बड़ी नदियाँ बहती है, हांग हो है, यांग टीसी क्यांग है, गंगा है, यमुना है, इसके अलावा दजला और फरात नदियाँ हैं, इरावदी नदी है, इन सभी का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के कृषि प्रारूप का वर्णन कीजिए, एशिया महाद्वीप के कृषि प्रारूप का, एशिया महाद्वीप में किस प्रकार की कृषि की जाती है, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कृषि प्रारूप कौन कौन सी कृषि की जाती है, मुख्यतः वहाँ पर कहवा की कृषि की जाती है ब्राज़ील के संदर्भ में, है ना, व्यापारिक अन्न उत्पादन की कृषि अर्जेंटीना में की जाती है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। ऊर्जा और खनिज क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, ऊर्जा संसाधन जो है वहाँ पे कोयला है पाया जाता है, वेनेजुएला के आसपास खनिज तेल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उनके प्रदेशों का वर्णन, और खनिज आपको पता है चिली में सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है, ब्राज़ील में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तो उन क्षेत्रों का वर्णन करना है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम, दक्षिणी अमेरिका के उच्चावच और प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए, उच्चावच और प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि दक्षिण अमेरिका, देखिए ये दक्षिण अमेरिका का इस तरीके से कुछ नक्शा है, आपने देखा होगा ये वाला, दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे पूरा क्या है, एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है, बीच में क्या है, ब्राज़ील का पठार है, और यहाँ पे मैदान है छोटा सा, यहाँ नदियाँ हैं, ओरिनोको नदी, सॉरी पराग्वे नदी है, पराना नदी है, ऊपर ओरिनोको नदी है, यहाँ पे आपकी अमेजन नदी का मैदान है, तो इन सभी को आपको पढ़ना है। अर्जेंटीना के पशुपालन और दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों, खनिज क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, अर्जेंटीना आपने पढ़ा होगा, अर्जेंटीना के खनिज क्षेत्रों का आपको वर्णन करना है, सॉरी पशुपालक उत्पादक क्षेत्रों का, बहुत बार पूछा जाता है, रेंच कहते हैं यहाँ पे, व्यापारिक पशुपालन होता है, दुग्ध उत्पादन होता है, दुग्ध उत्पादन के विषय में तीन मुख्य क्षेत्र है, अर्जेंटीना है, ऊपर में डेनमार्क आपको मिलेगा, और दक्षिण में आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मिलेगा, ये प्रश्न जरूर आएगा, यहाँ तीनों में से दुग्ध उत्पादन संबंधित या पशुपालन से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रखे रहिए। मैं बता दिया आपको, यूरोप में आपको डेनमार्क मिलेगा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में आपको अर्जेंटीना मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों मिलेगा। अगला है, ब्राज़ील के धरातलीय स्वरूप और खनिज संसाधनों का वर्णन कीजिए, ब्राज़ील के धरातलीय स्वरूप,
ब्राज़ील के संदर्भ में, ब्राज़ील को अच्छे से पढ़ के जाइए, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा ब्राज़ील से, अर्जेंटीना और ब्राज़ील इन दोनों से। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मैंने 5 प्रश्न दिए हैं, 5 से 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट महाद्वीप है इसलिए, और बहुत आसान है इसको। मैंने इस महाद्वीप से संबंधित सभी प्रश्न मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, प्रश्न और उत्तर दोनों, ठीक है। आप देख लीजिए वहाँ से, अगर आपको नहीं समझ में आता था यहाँ पर उत्तर भी लिख रखे हैं मैंने। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के भौतिक प्रदेशों का वर्णन करना है आपको। ऑस्ट्रेलिया के खनिज और औद्योगिक क्षेत्र, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन और डेयरी उद्योग, न्यूजीलैंड की प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु और अपवातंत्र, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जनसंख्या, इन के बारे में आपको वर्णन करना है। उम्मीद है इस प्रश्न पत्र में से आपके लगभग लगभग सारे ही प्रश्न मिलेंगे, ये सच्ची और पक्की बात है। तो आप यहाँ से इस प्रश्न पत्र के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। ज़्यादा प्रश्न नहीं है ये, 4×20 20 प्रश्न है लगभग ये। इन 20 प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके चले जाओगे, निश्चित रूप से आपके जो है 80% के आसपास नंबर आ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी पेपर मैं बनाता रहूँगा।